एक ट्वेल्थ का रिजल्ट तुम्हारा करियर डिफाइन नहीं कर सकता। सबका ना यार अपना अपना पैशन होता है जिसके अंदर उन्हें मेहनत करने में मजा आता है, तो यार उसको फॉलो करो, यही टाइम है फॉलो करने का। अगर अगर थोड़ी देर और कर दी तो भैया लेट हो मिडिल क्लास घर का लड़का 400 बिलियन डॉलर की कंपनी के साथ पंगा लेता है तो साला उस कंपनी को इंडिया से बैन करा देता है। ऐसी क्या पावर है इस बंदे में और कैसे ये बंदा इस लेवल तक पहुंचा कि बॉलीवुड भी आज इस बंदे के पीछे भागता है। इस बंदे की कहानी मतलब सिर्फ एक मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है बल्कि एक रियल लाइफ प्रूफ है कि बंदा अगर ठान ले तो क्या कुछ उखाड़ सकता है। फिर मैटर नहीं करता कि आपके घर वाले कौन है और आप कहां से उठकर आए हो। ऐसी कहानियां सुनने के बाद लगता है कि बॉस एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं द किंग ऑफ रोस्टर्स कैरी मिनाटी की। इस बंदे का असली नाम अजय नागर है। दोस्तों कहते हैं ना कि बच्चा आगे जाकर क्या उखाड़ेगा, ये उसके बचपन में ही उसके हरकतों से पता चल जाता है। जैसे इलॉन मस्क ने 12 साल की उम्र में एक गेम बनाकर उसे $500 में बेच दिया था, वही प्रेडिक्ट हो गया था कि ये बंदा आगे जाकर क्या कुछ उखाड़ेगा। कैरी की शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई जब ये बंदा 10 साल का था, जिस उम्र में बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि साला मैं खुद कौन हूँ और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। उस उम्र में इस बंदे ने उसको क्या करना पसंद है ये ढूंढ लिया था। फ्रैंकली इस उम्र में उसको क्या करना पसंद है ये ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो अच्छा लगता है उसे कंटिन्यू रखना और उसे कोई रिजल्ट ना आए तो भी उसे करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है जो बहुत से लोग 20-25 की उम्र में भी नहीं कर पाते। 2010 में इस बंदे के दिमाग में घुस गया कि उसको YouTube पे वीडियो बनाने। कोई आइडिया नहीं था कि इसको कैसे करना, इसमें कोई फ्यूचर है भी या नहीं, या इससे कोई पैसा मिलेगा या नहीं, कुछ भी नहीं था, बस इसको एक करना था। इस बंदे के पास सैमसंग का एक छोटा सा कैमरा था, उसी कैमरे से 10 साल का बच्चा कभी फुटबॉल के कुछ टूटे फूटे ट्रिक्स दिखाता था, कभी जगलिंग करते हुए वीडियो बनाता था, तो कभी प्ले स्टेशन के वीडियो बनाता था। इसको रिजल्ट का फिक्र नहीं था कि इसके ऊपर व्यूज आएंगे या नहीं, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे या नहीं, जो भी अच्छा लग रहा था वो बस उसे किए जा रहा था। 2014 तक इस बंदे ने ये सब किया लेकिन फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। इसके बाद इस बंदे ने YouTube को जरा सीरियसली लिया और YouTube पर एक और नया चैनल बनाया जिसका नाम रखा एडिक्टेड A1। इस YouTube चैनल पर वो गेम खेलते हुए उसको रिकॉर्ड करके डालता था और साथ ही अपने अंदाज में पीछे से कुछ कमेंट्री भी करता था। ऐसे करते करते इस बंदे ने कुछ 150 वीडियो बना डाले और जिस कैरी मिनाटी का आज के वीडियो पे घंटों में ही मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं। मैं तेरे को एक चीज बताऊंगा, अगर मैंने कर दिया ठीक है ना, तेरे हो जाएंगे, तेरे 1,00,000 भी हो जाएंगे, लेकिन तेरे व्यूज उतने ही आएंगे। कोई बात नहीं सर, मैं मेहनत करता रहूंगा। मैं समझा नहीं तू, एक होती है देख, एक जनता दी जाती है और एक कमाई जाती है, तेरे को कौन सी चाहिए? क्या बात है, मुझे कमाना है, मुझे कमाना है सर, ये तो लोगों का प्यार चाहिए। मेरी हवा हो जाएगी एक कि भाई मैं आया ठीक है, मैंने तेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, कैरी ने तो आगे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, बट उसके बाद तेरा चैनल डेड हो जाएगा, तेरे को मंजूर है? नहीं सर। तो कमाना भाई।